नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ में हूं वंदना सिरोही। बात करेंगे चीन की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए भारत अब नई मिसाइल डेवलप करने में जुट गया है। यह मिसाइल चीन की हर चाल का जवाब देगी और इसकी जद में पूरा चीन आएगा। डीआरडीओ इस मिसाइल पर काम कर रहा है और ये मिसाइल आपको बता दें कि अग्नि सीरीज की मिसाइल होगी और इसे अग्नि प्राइम नाम दिया जा रहा है। अग्नि प्राइम मिसाइल परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम होगी और इसमें पारंपरिक पेलोड भी भेजा जा सकेगा। ये मिसाइल बेहद हल्की होगी और ज्यादा पेलोड ले जाने में सक्षम होगी। इस मिसाइल में इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्यादा इस्तेमाल भी किया जाएगा और अग्नि प्राइम मिसाइल का हम जिक्र कर रहे हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल होगी जिसकी जद में चीन आएगा। और इस उन्नत सक्षम अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में ज्यादा आपको बता दें, पारंपरिक पेलोड ले जाने में सक्षम होगी, बेहद हल्की होगी, ज्यादा पेलोड ले जाने में भी ये सक्षम होगी, यानी पूरी तरह से इसे इलेक्ट्रॉनिक बनाने में तैयारी की गई है। और ये जो अग्नि प्राइम मिसाइल है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसका जो नेविगेशन सिस्टम होगा वो भी बेहद उन्नत होगा। इसके अलावा परमाणु पेलोड ले जाने में भी ये सक्षम होगी, पारंपरिक पेलोड भी ले जा सकेगी अग्नि मिसाइल, अग्नि प्राइम मिसाइल जिसको नाम दिया जा रहा है। उन्नत होगी, सक्षम होगी और बहुत खास तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल में नेविगेशन सिस्टम भी बेहद उन्नत होगा और जो चलते हुए टारगेट पर भी निशाना बनाने में सक्षम होगा। अग्नि प्राइम मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा होगी जिसमें सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये मिसाइल हम आपको बता दें कि 2000 किलोमीटर मूविंग इसकी रेंज होगी और सॉलिड प्रोपेलेंट से इसे लैस किया जा रहा है, यानी तमाम आधुनिक जो तकनीक है उसको इसमें ऐड ऑन किया गया है ताकि दुश्मन को जवाब देने में ये सक्षम रहेगी। अग्नि प्राइम मिसाइल की ताकत आपको बता दें 11 टन इसका वजन होगा और इसके अलावा रिंग लेंजर भी इसमें, रिंग लेजर जायरोस्कोप बेस्ड नेविगेशन भी इसमें रखा जाएगा और 2000 किलोमीटर मूविंग रेंज इस मिसाइल की होगी। अग्नि प्राइम मिसाइल की ताकत हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं किस तरह से इसे और आधुनिक बनाया गया है और तकनीक से लैस किया गया है। अग्नि प्राइम का इंटरनल नेविगेशन सिस्टम, माइक्रो नेविगेशन सिस्टम और नाविक सैटेलाइट नेविगेशन के साथ मिलकर काम करेगा। ये मिसाइल समुद्र में चलते हुए जहाज को बेहद सटीकता से टारगेट करने में सक्षम होगी। अग्नि प्राइम मिसाइल को चीन की मिसाइल DF-21D की काठ के तौर पर विकसित किया जा रहा है। चीन की DF-21D मिसाइल करीब 11 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी है, जबकि भारत की जो ये अग्नि प्राइम मिसाइल की हम बात कर रहे हैं वो किस तरह से काम करेगी वो हम आपको बता देते हैं। DF-21D जो कि चीन की मिसाइल है वो 11 मीटर लंबी है, जबकि भारत की ये जो मिसाइल है, ये अग्नि प्राइम मिसाइल, ये 10 मीटर लंबी है। 1.5 मीटर चौड़ी जो DF-21D है उसके मुकाबले में भारत की जो अग्नि प्राइम है वो 1.25 मीटर चौड़ी है। 11 टन इसका वजन है, 1500 किलो पेलोड ले जाने में सक्षम है। चीन की जो मिसाइल है वो 15 टन के वजन की है, 600 किलो पेलोड ले जाने में सक्षम है और इसी की काट के तौर पर अग्नि प्राइम मिसाइल को देखा जा रहा है, जिसे तैयार किया जा रहा है बेहद तकनीक के साथ और बेहद आधुनिक तरीके से इसका काम चल रहा है और ये चीन को जवाब देने में सक्षम होगी। और दोनों की जो कंपैरिजन है वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये जो चालबाज चीन के हौसले पस्त करने के लिए अग्नि प्राइम मिसाइल तैयार की जा रही है। 11 टन इसका वजन, चीन की डीएफ जो मिसाइल है वो 600 किलो पेलोड ले जाने में सक्षम है, 15 टन इसका वजन है और इसी का काउंटर यहाँ अग्नि प्राइम मिसाइल को देखा जा रहा है। 1500 किलो पेलोड ले जाने में यह सक्षम होगा। अग्नि प्राइम चीन की मिसाइल से छोटी और बेहद हल्की होगी और इस समुद्र में चीन के किसी भी जंगी जहाज को टारगेट करने में पूरी तरह से सक्षम होगी। बीएन झा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, स्वागत है आपका। बीएन झा साहब, ये जो अग्नि प्राइम मिसाइल तैयार की जा रही है किस तरह से आप इसको देख रहे हैं, क्योंकि चीन की DF-21 के काउंटर में इसको तैयार किया जा रहा है जो कि पूरी तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। जी हाँ वंदना, ये काफी एडवांस मिसाइल है। अग्नि प्राइम का कॉन्सेप्ट काफ़ी पहले शुरू हुआ था, जब अग्नि 2 बना था उसी समय में अग्नि प्राइम का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था और जब तक अग्नि 2-3 बन के तैयार हुआ और इंडक्शन भी हो गया तो अग्नि प्राइम में बहुत सारे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुए थे और उस एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में ऐसी भी बात चल रही थी कि जितने अग्नि 1, 2, 3 हैं उसको हम अग्नि प्राइम से रिप्लेस कर देंगे। तो ये तो अलग बात है, ये तो इंडक्शन की बात है और सब्सिक्वेंट अपग्रेड की बात है, लेकिन
अग्नि प्राइम में कुछ विशेषताएं हैं। ये पहला कैनिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। कैनिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी में ऐसा होता है कि ये एक सिलेंडर जैसा चीज़ है, उसमें सॉलिड प्रोपेलेंट जो है वो भरा हुआ है, और इसमें अगर दो स्टेज भी हैं तो एक स्टेज जो पहले वाला स्टेज था, फर्स्ट स्टेज के बिना सेपरेट हुए भी सेकेंड स्टेज जो है वो अपने आप काम करना शुरू होता है। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि ये जब ग्राउंड के ऊपर में फ्लाई करता है तो सेपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सेपरेट करके जो हिस्सा अलग हो गया, जो गिर रहा है वो कहाँ गिरेगा आपको पता नहीं है। तो इसीलिए अगर वो अवॉइड किया जा सकता है तो वो अवॉइड करने की कोशिश की जाती है ऐसी टेक्नोलॉजी में, और वहीं पर फिट होता है अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम में सारी चीज़ें आपने डिटेल्स ऑलरेडी बता दिए दर्शकों को। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि खास करके एक तो कैनिस्टर बेस्ड है, तो अगर बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना, बैलिस्टिक मिसाइल वो एटमॉस्फेयर से ऊपर चली जाती है और उसके बाद फिर आके ट्रैजेक्टरी में आके नीचे गिरती है, और जो भी टारगेट नीचे में है, अगर शिप है, यूजली बड़े मिसाइल्स को छोटे टारगेट पर हम लोग नहीं दागते हैं, कहते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र किसी ऐसे चीज़ पे चलाना चाहिए जहाँ पे कि आपको उस तरह का शत्रु मिले या उस तरह का टारगेट मिले। तो छोटे छोटे शिप्स जो हैं उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे और मिसाइल्स हैं, यू नो, आप नाम ले सकते हैं, कम से कम मैं एक दर्जन मिसाइल ला सकता हूँ जो छोटे टारगेट को ख़त्म करने के लिए सक्षम है। अग्नि प्राइम तो न्यूक्लियर केपेबल है, इसमें आप न्यूक्लियर वॉरहेड भी डाल सकते हैं, तो इसलिए अच्छी मिसाइल है। इसका रेंज लगभग वही आपने बताया कि 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक का वो रेंज है, और वो भी जो एडवांस वर्जन है उसमें है। पेलोड कैरिंग कैपेसिटी लगभग 1000 केजी के आसपास, 2000 किलोमीटर मूविंग रेंज है इसकी, सॉलिड प्रोपेलेंट से पूरी तरह से लैस है, और उसके साथ ही खासियत ये भी कि समुद्र में जंगी जहाज को भी निशाना बनाएगी ये मिसाइल। जी हाँ, वहीं पर आता है ये जो आपने कहा ना कि जो मूविंग टारगेट है, तो अगर समुद्र में कोई शिप अगर जा भी रही है, मूविंग भी है, तो उसके ऊपर में ये गिरना जो है वो लाजमी है, ये उसके ऊपर में गिरेगा। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, इस अग्नि प्राइम में भी MIRV टेक्नोलॉजी है। MIRV है मल्टीपल इंडेंट रिलीज व्हीकल, मतलब जो पेलोड इसके अंदर में है, अगर मान लीजिए 5 पेलोड है, 5 बॉम्ब या 5 न्यूक्लियर आर्सेनल हैं, उसको आप अलग अलग जगह पे गिराना चाहते हैं, तो वो MIRV जो है वो उसको सबको अलग अलग टारगेट पे गाइड करेगा और अपने अपने अलग अलग टारगेट पे गिराएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ऑल इन वन कहते हैं ना कि वो अग्नि प्राइम में आपको मिल जाती है। MIRV भी मिल गई आपको, कैनिस्टर टेक्नोलॉजी मिल गई जो कि जब री एंट्री होती है बैलिस्टिक मिसाइल का, उसमें आग नहीं लगेगा, उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सारी चीज़ें एक साथ में आपको अग्नि प्राइम में मिलता है। और ऐसे आज के दिन में दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास में कि ये इस टेक्नोलॉजी की, जिसमें ऑल इन वन हम लोग कहते हैं, ये सारी चीज़ें हो जो कि इसको आगे लेके जा सके। बिल्कुल, और इसीलिए इसे अग्नि बाण के रूप में कहा जा रहा है कि ये बहुत इफेक्टिव वेपन होगा, भारत का एक बड़ा अत्याधुनिक हथियार के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बीएन झा साहब। तो अग्नि प्राइम मिसाइल का हम जिक्र कर रहे थे, और अब बात कर लेते हैं, जल्द ही भारत और रूस के बीच भी अहम सैन्य समझौता होने जा रहा है। हालांकि रूस से पहले ही भारत हथियार लेता रहा है, और सैन्य समझौते के लिए रूस ने अपनी मंजूरी दे दी है। दोनों देशों के बीच होने वाले इस समझौते के तहत दोनों देशों में संयुक्त रूप से सेनाओं की तैनाती संभव हो सकेगी। यह समझौता सामरिक दृष्टि से बेहद अहम होगा, और इस समझौते के तहत भारत और रूस एक दूसरे के क्षेत्र में सैन्य संरचनाएं स्थापित कर सकेंगे। आपको यह भी बता दें कि अपने युद्धपोत एक दूसरे के इलाके में भेज सकेंगे और युद्धक विमानों को भी तैनात कर सकेंगे। सैन्य समझौता रूस और भारत के बीच होगा। युद्धपोत एक दूसरे के इलाके में भेज सकते हैं समझौते के तहत। इसके अलावा युद्धक विमानों की भी तैनाती संभव होगी। यानी ये जो समझौता है बेहद अहम होने वाला है। सैन्य समझौता होगा जिसमें सैन्य संरचनाएं स्थापित कर सकेंगे एक दूसरे के क्षेत्र में, और इसके जरिए भारत और रूस के जो संबंध हैं और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। हालांकि पहले से ही जो सैन्य मदद है वो लगातार रूस से मिलती रही है, और हथियारों की भी एक बड़ी खेप भारत में आ चुकी है। युद्धक विमानों की तैनाती को लेकर भी ये बड़ा सैन्य समझौता होने जा रहा है, और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि रूस और भारत के बीच अगर ये समझौता हो जाता है तो यूरोप और एशियाई
क्षेत्र में, यानी वहां की जो सुरक्षा है उसको भी मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही ये भी आपको बता दें कि समझौते के बाद रूस और भारत के जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं उनमें भी इजाफा होगा और सैन्य इकाइयों की प्रक्रिया को भी ये व्यवस्थित करेगा। इस समझौते से साझा सैन्य अभ्यास में बढ़ोतरी होगी, दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच लॉजिस्टिक सप्लाई में भी सहायता मिलेगी। इस समझौते के तहत प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सैनिकों को भेजने का प्रावधान भी होगा और एक बार में 5 वॉरशिप, 10 विमान और 3000 तक सैन्य कर्मी दूसरे देश में भेजे जा सकेंगे। तो इस समझौते के लिए आपको बता दें कि साझा सैन्य अभ्यासों में इससे बढ़ोतरी होगी, यानी समझौता अगर हो जाता है, एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि बहुत अहम होगा। सेनाओं को बेहतर लॉजिस्टिक्स सप्लाई भी इसके जरिए, समझौते के जरिए मिल पाएंगी और एक दूसरे के क्षेत्र का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में भी सैनिकों को भेजा जा सकता है, यानी प्राकृतिक आपदाओं के वक्त में भी ये बड़ा अहम होगा। 5 युद्धपोत, 10 विमान, 3000 सैनिक तैनात किए जा सकेंगे। इस समझौते के तहत दोनों देशों में संयुक्त युद्धाभ्यासों में भी व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाएगा। इस समझौते के बाद भारत की जो सेनाएं हैं बाल्टिक और ब्लैक सी में जाकर युद्धाभ्यास कर सकेंगे, जबकि रूस की सेना हिंद महासागर में युद्धाभ्यास कर पाएगी। इस समझौते के बाद नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर के विस्तार में भी मदद मिलेगी और इस समझौते के तहत भारत को रूस में अपने 3000 तक सैनिक स्टेशन करने की परमिशन भी मिल जाएगी, जिससे कि भारतीय सेनाएं सीधे यूरोप तक पहुंच जाएंगी। यानी बहुत बड़ा ये समझौता होने जा रहा है। सैन्य लेवल पर अगर इसको देखा जाए तो एक दूसरे की जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे के क्षेत्र में जा सकती हैं, विमान जा सकते हैं और इसके ज़रिए प्राकृतिक आपदाएं भी जब जब आती हैं तो उस दौरान भी ये बहुत मददगार साबित होगा। तो लगातार ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो सैन्य ढांचा है उसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। इधर एक और बड़ी जानकारी मिल रही है कि अमेरिका की एक रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन कोई हमला या युद्ध नहीं करेगा, बल्कि बिना एक भी गोली चलाए ताइवान पर कब्जा कर लेगा। तो चीन की नई चाल सामने आ रही है। वॉशिंगटन के सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है चीन सिर्फ अपनी सैन्य नाकेबंदी के जरिए ही ताइवान को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। और ये रिपोर्ट बताती है कि चीन ताइवान को चारों तरफ से अपने जंगी जहाजों से घेर सकता है, बाहर की दुनिया से ताइवान का संपर्क काट सकता है और संपर्क काटने के बाद ताइवान में ज़रूरी चीज़ों की किल्लत होने लगेगी, यानी उसे बिना गोली चलाए ही घुटने टेकने पर मजबूर करेगा। चीन कानूनी कार्रवाई भी करने की तैयारी में और ये ताइवान को कैसे चीन झुकाएगा वो आपको बता रहे हैं। रूस और अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी को लेकर बातचीत कर सकता है। ताइवान को वॉरशिप से घेर सकता है चीन और ताइवान का दुनिया से संपर्क काट सकता है, यानी ताइवान को कई मोर्चे पर घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। संपर्क कटने से ताइवान में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो नहीं पहुंच पाएंगी, यानी उन चीज़ों की किल्लत हो जाएगी और चीन क्वारंटाइन कार्रवाई लागू कर सकता है, यानी ताइवान को एक अलग पैतरे के जरिए चीन झुकाने की कोशिश कर रहा है। समुद्री और एयर ट्रैफिक भी चीन की ओर से रोका जा सकता है, यानी अगर चीन ताइवान के खिलाफ क्वारंटाइन लागू कर देता है तो अमेरिका भी ताइवान की मदद नहीं कर पाएगा। और अगर अमेरिका फिर भी अपने फाइटर जेट्स और वॉरशिप ताइवान की मदद के लिए भेजेगा तो उसे चीन के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। चीन के कोस्ट गार्ड के पास 150 जहाज हैं, चीनी नेवी के पास 400 छोटे वैसल हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 10 जहाज हैं और 160 छोटे वैसल हैं। ऐसे में ताइवान चीन के क्वारंटाइन को तोड़ नहीं पाएगा, यानी चीन ने नई स्ट्रेटजी तैयार की है जिसमें बगैर युद्ध किए वो ताइवान को घुटनों पर ला सकता है। और चीन के फाइटर जेट्स अक्सर ताइवान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते रहते हैं और चीन के जंगी जहाज भी ताइवान स्ट्रेट पार कर ताइवान के कब्जे वाले समुद्र में दाखिल हो जाते हैं। ताइवान अपनी सेना की आधुनिक बनाने की जो कोशिशें हैं उस पर इजाफा कर रहा है और उसके लिए अमेरिका से फाइटर जेट्स और मिसाइल भी खरीद रहा है। फिर भी चीन का मुकाबला करने में उसे परेशानी होगी। ये आपको बता रहे हैं किस तरह से चीन के पास 400 छोटे वैसल हैं, ताइवान के पास 160 छोटे वैसल हैं। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि यहाँ पर जो ये जंगी जहाज़ हैं उसमें भी चीन ताइवान को टक्कर देता है। चीन के पास 20 लाख एक्टिव सैनिक हैं जबकि ताइवान के पास सिर्फ 1.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं। और चीन और ताइवान की जो ताकत है वो हम आपको बता रहे हैं किस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रही है। चीन के पास जहाँ 20 लाख सैनिक, 1200 फाइटर जेट, तो वहीं
288 फाइटर जेट ताइवान के पास हैं, 91 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जबकि चीन के पास 281 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, 79 सबमरीन हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 4 सबमरीन हैं। यानी जो सैन्य ताकत है वो ताइवान की कमज़ोर है। 5,250 से ज़्यादा टैंक चीन के पास हैं, 20 लाख सैनिक हैं, जबकि यहाँ जो सैनिकों की ताइवान के पास संख्या है वो मात्र 1.5 लाख है। 288 इसके पास फाइटर जेट है, जिसके मुकाबले में चीन के पास 1200 फाइटर जेट है। यानी अब चीन से मुकाबला करना ताइवान के लिए बहुत मुश्किल होगा। और अगर क्वारंटाइन लागू कर दिया जाता है, क्वारंटाइन कार्रवाई लागू कर दी जाती है चीन की ओर से, तो अमेरिका भी ताइवान की मदद नहीं कर पाएगा। और चीन की इस चाल को लेकर रिपोर्ट ये बता रही है कि अमेरिका के CSIS की इस रिपोर्ट में दावा हुआ है कि चीन ताइवान के 2,30,00,000 लोगों को होने वाली बिजली सप्लाई को भी रोक सकता है। पिछले महीने ही शंग्रीला डायलॉग में चीन के रक्षा मंत्री डांग जून ने चेतावनी दी थी कि जो भी ताइवान की आज़ादी का समर्थन करेगा वो खुद भी तबाह हो जाएगा। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चीन के पास ताइवान को झुकाने के और भी कई तरीके मौजूद हैं। दुनिया के कई बड़े देश चीन की वन चाइना पॉलिसी के समर्थक हैं, जिसमें रूस और अमेरिका भी शामिल है। ऐसे में चीन ताइवान आने वाले जहाज़ों पर कस्टम टैक्स भी लगा सकता है और ताइवान के पोर्ट पर आने वाले जहाज़ों को ये टैक्स भरना पड़ेगा। इस टैक्स से बचने के लिए जहाज़ अपना रास्ता भी बदल सकते हैं। CSIS की इस रिपोर्ट का हम हवाला दे रहे हैं, उसमें चीन ताइवान की समुद्री सीमा पर भी कंट्रोल कर सकता है और उसे मिलने वाली विदेशी मदद को काट सकता है। ताइवान पोर्ट पर आने वाला टैक्स वहां पर भरना पड़ सकता है और ताइवान को कई तरीकों से चीन झुकाने की कोशिश करेगा। टैक्स से बचने के लिए जहाज अपना रास्ता बदल सकते हैं अगर चीन वहां पर टैक्स बढ़ा देता है। दुनिया के कई देश वन चाइना पॉलिसी के समर्थक हैं और इस बात से भी चीन परेशान रहता है। दुनिया के कई देश हैं, रूस और अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी के समर्थक हैं। ताइवान को चीन किस तरह से झुकाएगा ये आपको बता रहे हैं। जहाज़ों पर कस्टम टैक्स भी चीन लगा सकता है और इसके ज़रिए कई जो देश हैं वो कट सकते हैं, क्योंकि ये टैक्स के चलते वो जहाज़ वापस जा सकते हैं। और ये मैप भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूर्वी चीन सागर का ये जो रास्ता है, और ताइवान स्ट्रेट, फिलीपींस सागर, दक्षिण चीन सागर और चीन, ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ताइवान की स्थिति हम समझ सकते हैं इस मैप के ज़रिए। इस नक्शे में ये जो छोटा सा टापू आप देख रहे हैं यही ताइवान है, और नक्शे में जो ये बड़ा सा देश है वो चीन आप देख रहे हैं। यानी ये कितना फ़र्क है दोनों के भौगोलिक परिस्थितियों में भी आप देखिए। चीन और ताइवान के बीच सिर्फ 160 किलोमीटर की दूरी है और दोनों के बीच से जो ये बहने वाला समुद्र है उसे ताइवान स्ट्रेट कहा जाता है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस रडारों के पास, जहाँ पर अक्सर इसी तरह से ताइवान की सीमा में जो चीन के फाइटर जेट्स हैं वो यहाँ से घुसने की कोशिश करते हैं। और पूर्वी चीन सागर के साथ ही ताइवान स्ट्रेट में चीनी सैनिकों की आवाजाही कई बार बढ़ी है। ताइवान के नीचे ये जो दक्षिण चीन सागर है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि चीन का कई देशों के साथ विवाद भी चल रहा है, और ताइवान को भी चीन की कोशिश है कि वो झुकाए, और इसलिए ताइवान के ठीक पीछे फिलीपींस सागर है और उसके साथ ही ऊपर से आप देख रहे हैं कि पूर्वी चीन सागर यहाँ पर है। इसके साथ ही पूर्वी चीन सागर में चीन का जो विवाद है वो जापान के साथ है। तो यहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसके साथ चीन का विवाद दिखाई देता है, लेकिन ताइवान पर हावी होने की जो कोशिश है वो चीन कर रहा है। वन चाइना पॉलिसी के भी समर्थक रूस अमेरिका हैं, लेकिन ताइवान के साथ चीन की कोशिश ये है कि बिना युद्ध किए वो उसे झुकाने की कोशिश कर रहा है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं चीन की ये जो नई चाल है उसमें बगैर युद्ध किए वो ताइवान पर हावी होने की कोशिश में है। चलिए अब खबरों में